दोस्तों किंग के छूटे पसीने, पुष्पा टू की हो गई छुट्टी। पुष्पा टू की डेट आगे क्यों खिसकाई गई है इसका तो अभी कुछ रीजन पता नहीं चला है। बाकी शाहरुख खान की मार्केट पे प्रभास ने कब्जा जमा लिया है। दोस्तों कल्कि 2898 जब से उसका ट्रेलर आया है और उसकी जब से रिलीज डेट अनाउंसमेंट की गई है, बॉलीवुड गलियारे में एकदम हलचल सी मच गई है, तूफान सा आ गया है। कई लोगों को लगता है कि प्रभास की ये फिल्म बड़े बड़ों को धराशायी कर देगी, बड़े बड़ों की मार्केट को खा जाएगी। प्रभास की अलावा एक और फिल्म आ रही है मार्केट में तूफान मचाने के लिए, तबाही मचाने के लिए, नाम है बॉर्डर टू। जिस तरह से गदर टू को लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया था, उन्होंने सोचा था कि क्या ही सनी देओल का क्रेज़ तो है नहीं, गदर टू क्या ही चलेगी, लेकिन गदर टू ने अच्छे अच्छों को पहाड़ा पढ़ा दिया। ठीक उसी तरह से बॉर्डर टू जब आएगी तो ये बॉक्स ऑफिस पे अपना एक अलग लेवल का स्वैग लेकर के आएगी और बॉक्स ऑफिस पे तहलका काट देगी। तो इसके अलावा पुष्पा टू जो है, जिनको जो फैंस हैं जो इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि पुष्पा टू 15 अगस्त को रिलीज़ होगी, लेकिन 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 अब ये पुष्पा टू की रिलीज डेट आगे खिसकाई गई है। क्यों खिसकाई गई है, किस लिए खिसकाई गई है, इसका कोई कारण तो उन्होंने नहीं बताया है, जो भी इसके निर्माता हैं। इतना पता चला है कि पुष्पा इस बार भारी भरकम बजट के साथ बनाई गई थी, मतलब बनाई जा रही है, और इसको जो है बड़े स्केल पे रिलीज करना था, लेकिन मेकर्स के दिमाग में कुछ और चल रहा है। वो सोच रहे होंगे कि हम इससे बड़ा वाला धमाका करेंगे, तो बड़े धमाके के इंतजार में इसको आगे खिसका दिया गया है। बाकी जैसे ही इसकी कोई नई जानकारी आती है जरूर साझा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।